जयंती विशेष। आज भारत और पाकिस्तान दोनों के एक चर्चित व्यक्ति की जयंती है, जोगेंद्र नाथ मंडल। इस पर बात करने के लिए खास मुलाकात में राजा हैं, राजा एलएलएम कर रहे हैं लंदन यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने वहां से कुछ जानकारी इकट्ठा की है उनके बारे में कि पाकिस्तान में संविधान बनने में क्या भूमिका थी। मैंने उनको पढ़ा नहीं है ज्यादा, मटेरियल मेरे पास नहीं है। मैंने राजा से आग्रह किया था कि जो भी पढ़े हैं, जो जानते हैं, जरा लोगों को बताएं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी कई तरह के इंफॉर्मेशन चलते रहते हैं, कई भ्रांतियां हैं। राजा, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से अम्बेडकर नामा के दर्शकों के बीच में हूँ। चलिए, जोगेंद्र नाथ मंडल साहब की जयंती है, बधाई सर। सबको बधाई, आपको भी सर। जी, क्या आपने पढ़ाई की है वहाँ, आपने कुछ मटेरियल इकट्ठा किया उनके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया सर। जोगेंद्र नाथ मंडल भारत और पाकिस्तान की राजनीति की जीवित न रहते हुए भी एक जीवंत करेक्टर है, और हमें लगता है कि पाकिस्तान में भी जितना भारत में चर्चा है, उतना पाकिस्तान में भी इनकी चर्चा है। अभी मैं जब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को पढ़ रहा था, तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण करेक्टर मुझे लगा, वो जोगेंद्र नाथ मंडल है। अगर प्रारंभिक जीवन के ऊपर मैं उनको ले जाना चाहूँगा, तो बहुत सारे जानकारी नहीं उपलब्ध है, लेकिन 29 जनवरी 1904 में उनका जन्म हुआ, और बंगाल के नामसुद्रा कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। लॉ की पढ़ाई किए, कोलकाता यूनिवर्सिटी से भी उनका संबंध रहा है, और बंगाल में इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, फिर बंगाल के मंत्रालय में भी उनको जगह मिला। ये उनका आरंभिक जीवन है। बहुत डिटेल्स में नहीं है पता सर, इसलिए किसी को भी पता नहीं। आप हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनकी बायोग्राफीज नहीं है, उन्होंने अपने चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं किया है। अब CNRC वाला में भी देखेंगे, यही सवाल उठ रहा था कि किसी के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जीवन में जो सबसे पहचान पत्र ही नहीं है, तो बायोग्राफी क्या लिखेगा। तो बायोग्राफी नहीं है, इसलिए आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है उनके बारे में, लेकिन बाद में जाकर के जब नेशन स्टेट से व्यक्ति जुड़ता है, तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है। तो 1943 में वो मंत्रालय में भी रहे, उसमें भी उनका अनप्रेसिडेंटेड वर्क रहा है, और कई चीज़ें जैसे उन्होंने एजुकेशन के ऊपर मुस्लिम लीग से बहुत सारे पैसे का सेंक्शन करवाया शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से जुड़े हुए अदर कास्ट का जो करेक्टर है मुस्लिमों में, उसके लिए। दूसरा कि डॉक्टर अंबेडकर से उनका संबंध है, जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना तो उनके बंगाल प्रांत का इंचार्ज बनाया गया। हालांकि मेरी रुचि ये भी रही उसमें कि आखिर उनके अंदर में कैसे, जब भारत में आंदोलन चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था एक तरफ, और एक तरफ अलगाववाद की राजनीति चल रही थी मुस्लिम लीग का, उस बीच में कैसे उनकी सामाजिक समझ, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर के बनती है, ये बहुत मैं समझ नहीं पाया कौन किस व्यक्ति का प्रभाव उसकी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। हालांकि उनका संबंध सुभाष चंद्र बोस से भी रहा है, जब कांग्रेस से उन रिजाइन दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, तो उसमें भी उनका फॉर्मेशन की भूमिका मानी जाती है। तो बंगाल के नामी ग्रामी चेहरों में से जोगेंद्र नाथ मंडल एक रहे हैं भारत के आज़ादी के समय तक। पाकिस्तान वो क्यों गए हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं है। उसका जिक्र मैं जब वो रिज़ाइन कर रहे थे, जब पाकिस्तान में जब लॉ मिनिस्टर जब थे, जब रिज़ाइन कर रहे थे, उसमें वो देते हैं, जिसपे मैं जाऊँगा तो बताऊँगा कि आखिर क्यों वो पाकिस्तान गए थे। लेकिन अगर कारण के रूप में, ज्योग्राफिकल कारण के रूप में देखेंगे, तो जो बंगाल है, बंगाल के बहुत सारे हिंदू बहुल इलाका भी पाकिस्तान के अंदर में गए हैं, और उसके बहुत सारे जो प्रतिनिधि को भी न चाहते हुए भी जाना पड़ा। ये कोई कहेगा भी तो ऐसा नहीं, उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया से वो चुन करके आए हुए थे। तो लगभग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये पता चलता है कि लगभग 20 से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान में भाग ले रहे थे,
जिसमें से एक जोगन्नाथ मंडल है। तो ऐसा ये कहा जाता है कि अकेला भाग गया ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और तमाम सारे जगह पे ये उड़ा जाता है कि एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति का क्या हसर है वहां पे जाकर के पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है, 20 से अधिक लोग इंडिया के हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के कौंसिल असेंबली के इसमें थे। दो चार नाम याद है? हाँ, एक है सुरेंद्र सन्याल है, अशोक दास है, और एक नाम मैं आपको और बता देता हूँ इस पे, भीम सेन सचर है। ये सब नाम है सर, 20 नाम का मैं लिस्ट भी आपके पास भेज दूंगा क्योंकि नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये चार नाम तो मैंने अभी आपको बता ही दिए। ये लोग, हाँ, ये लोग पाकिस्तान के कौंसिल असेंबली में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। इनका पूरा अगर डिबेट पाकिस्तान के कौंसिल असेंबली में देखेंगे तो उनकी बड़ी भूमिका है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उनकी योग्यता के अनुसार से वो जिम्मेदारी फिट बैठती है। कौंसिल असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका चेयरपर्सन बनाया गया, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी उनकी, और फिर वो लॉ मिनिस्टर भी बने। वैसे ही जो जोगन्नाथ मंडल है उनको भी सबसे बड़ा पोस्ट होता है आज़ादी के बाद, वो ये है कि कौंसिल असेंबली के लिए कमिटी बनी और कौंसिल असेंबली बना, उसके नॉन परमानेंट जो पहले चेयरपर्सन थे वो जोगन्नाथ मंडल थे। वो जिन्ना की अपनी एक शार्पनेस नज़र थी, जो इधर डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राजनीति में उभर रहे थे तो पाकिस्तान में भी एक उभरता हुआ चेहरा को उन्होंने अलग तरीके से स्पेस दिया। पहले भाषण में जोगन्नाथ मंडल ने वहाँ पे पाकिस्तान, जब उनको चेयरपर्सन चुना जाता है तो अध्यक्षीय भाषण के लिए बुलाया जाता है, तो 10 अगस्त 1947 का जो पहला भाषण है उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद के लिए कहा कि पाकिस्तान में यहाँ पे मैं आया हूँ, बहुत सारे इतिहास है, मैं उसको बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर तबके के लिए न्याय हो, सेकुलर कंट्री बने, और यहाँ का जो पूरी प्रणाली है वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन के बाइस पे नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा करेंगे। फिर दूसरा दिन परमानेंट चेयरपर्सन का चुनाव होता है। परमानेंट चेयरपर्सन के चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना को परमानेंट चेयरपर्सन बनाया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान भी बात की, उनको बनाया जाता है। इस डिविजन पे मैं कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो कौंसिल असेंबली का जो डिबेट हो रहा था वो मोर पाकिस्तान इंडियन कौंसिल असेंबली डेमोक्रेटिक था। आप देखेंगे कि लीडिंग जो व्यक्ति है अपना अपना रोल के लेकर के बहुत क्लियर थे, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र बाबू को चेयरपर्सन चुने जाते हैं, फिर अदर्स मेंबर को भी बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से चुने जाते हैं। पाकिस्तान में इसका थोड़ा अभाव था, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में थोड़ा अभाव था। तो नॉन परमानेंट चेयरपर्सन थे, फिर ये मेंबर्स बाद में जा करके रह गए। तो जब पहला भाषण था जिन्ना का तो वो जोगन्नाथ मंडल को भी कोट करते हैं उसमें कि जो बातें उन्होंने कही है, हम पाकिस्तान को एक सेकुलर कंट्री बनाने के लिए कोशिश करेंगे, दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर है और हम उस निगाहों के ऊपर खरा उतरेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली पूरे कौंसिल असेंबली का पूरा डिबेट देखेंगे और आइडिया ऑफ पाकिस्तान, फिलोसफी ऑफ पाकिस्तान देखेंगे तो वो एक सेकुलर कंट्री नहीं बन पाया। लेकिन पूरे कॉन्स्टेंट असेंबली में सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति अगर लड़ता हुआ आपको दिखेगा कि पाकिस्तान एक सेकुलर राष्ट्र होना चाहिए, वो जोगेंद्रनाथ मंडल थे। आज जो माइनोरिटीज के ऊपर हमला आपको पाकिस्तान में मिलेंगे उसको लेकर के वो उस समय भी कॉन्स्टेंट असेंबली में कई बार बोले हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये टेंडेंसी उभरेगी और आप जवाब देने के लिए लायक नहीं रहेंगे, इसका प्रभाव इंडिया नहीं पूरे साउथ एशिया के ऊपर पड़ेगा। तो ये उनके भाषण में है, कई तीसरे दिन के भाषण में भी है। जब वो पाकिस्तान का जब झंडा अपनाया जा रहा था, कौन झंडा होगा, तो चांद लाया गया, तो जोगन्नाथ ने खड़ा होकर के बोला कि, और जोगन्नाथ के साथ साथ और सारे कम्युनिटी के लोग जो हिंदू कम्युनिटी के लोग, उन्होंने बोला कि देखिए ये झंडा का प्रतीक जो है वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से है, हम इसके जगह कुछ और भी रख सकते हैं। पहला ही भाषण, दूसरे दिन में ही ये पूरी बातें उठ करके आती है। तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान में जिस कारण से वो आए थे, जिस कारण से उन्होंने वो स्टैंड लिया था, वो दिखता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि
जिन्ना ने उसके बाद भी कई बार उनको समझाने की पूरी कोशिश किया कि देखिए हम लोग इस तरीके से बनाने की पूरी पाकिस्तान को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री नहीं बन पाया। जो रेजोल्यूशन था इनका, एक रेजोल्यूशन जिसमें सेक्युलर कंट्री का जो रेजोल्यूशन था आज भी वो पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर में, जिसको लेकर के पाकिस्तान आज भी पड़ा हुआ है, वो लागू नहीं हुआ, उसकी चर्चा होती रहती है, जो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार उसको कोट करता है। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ सेकुलरिज्म जो 1949 में वो उनके एक दोस्त लेकर के आते हैं पाकिस्तान को एक सेकुलर कंट्री को लेकर के, तो आज भी पाकिस्तान में इनको कोट किया जाता है जब वहां पर सेकुलरिज्म की लड़ाई जब लड़ने की जब बात होती है, तो पाकिस्तान में कोट किया जाता है कि इन्होंने हमारी लड़ाई उस समय से शुरू की 1949 के दशक से ही, 1949 के समय से जोगन्नाथ मंडल ने उसका फाउंडेशन रखा था। और पाकिस्तान में देखेंगे कि बड़ा तबका इसकी लड़ाई भी लड़ रही है, चर्चा भी कर रहा है, और हर बार वो ये कोट करते हैं कि जोगन्नाथ मंडल के साथ ज्यादती हुई। हाँ, तो आते हैं ज्यादती क्या हुई। तो जब उनको मिनिस्ट्री मिला, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्ट्री मिला यहाँ पे, वहां पे उनको लॉ लेबर एंड लॉ मिनिस्ट्री मिला था। तो जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने इनको आड़े हाथे ले लिया, एक भी काम को इनको करने नहीं दिया जा रहा था जो भी इनका आइडिया था इम्प्लीमेंट करने का। तो डॉक्टर अंबेडकर से पहले ही वो रिजाइन करते हैं। दो देखिए, भारत के लॉ मिनिस्टर और पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर, आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर और आज़ाद पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर दोनों रिजाइन करते हैं। पहले जोगन्नाथ मंडल का रेजिग्नेशन होता है, उस रेजिग्नेशन में उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने जो उम्मीद किया था अपने कम्युनिटी को लेकर के, और अपने कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से भी जोड़ के देखते हैं, जो हालात है एजुकेशन का, सामाजिक स्थिति जो है, उसमें हम खड़े नहीं उतरे, और हम क्या जवाब देने के लिए यहाँ पे, मतलब क्या जवाब दे पाएंगे किसी को लेकर के, और मेरी समझ जो बनती है उसमें मतलब मैं अपने राजनीति में चूक किया। और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का भी कोट करते हैं कि वो कई जगह पे वो बात नहीं माने हैं, एक दो बात वो नहीं माना जिस कारण से उनकी भूल हुई। तो वो पाकिस्तान छोड़ देते हैं, वहां से चले आते हैं इंडिया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको सांप्रदायिकता की नजरों से बहुत नहीं देखा जाए, क्योंकि जिस जोगन्नाथ नाथ मंडल को लेकर के भारत में राजनीति होती है, उतना ही सम्मान उनको नहीं मिला वहां पे, इसके लिए पाकिस्तान में भी राजनीति होती है कि उनके सेक्युलर आइडिया की इज्जत नहीं हुई। यहाँ पे भी लॉ मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, उनके अपने कारण है, कारण को आपने अम्बेडकर नामे पे अच्छे तरीके से जिक्र किया है। और मुझे लगता है कि सर मैं वो लेटर को भेजता हूँ, रेजिग्नेशन लेटर जो 1950 का है, एक साल पहले का है लगभग, उसको भी एक बार आप पढ़ दीजिए कि आखिर दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। वो पाकिस्तान छोड़ते हैं और ये हिंदू, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो बहुत कुछ आपको सिमिलरिटी मिल जाए। लब्बलवाब ये है सर कि सामाजिक उत्थान को लेकर के, अपने समाज के पीड़ा को लेकर के कई बार सरहद पार लोग गए, सरहद पार नहीं रह करके सब धर्म बदले, कई तरह के प्रयास हुए हैं, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से ऐसा है कि बहुत उसमें, और संगठन मजबूत नहीं होने के कारण से, समुदाय में जागरूकता नहीं होने के कारण से, जो हमारा लीडर कई जगह पे कमजोर हो जाता है, उसके उसके जो पीड़ित है उसमें से एक जोगन्नाथ मंडल है। भारत में उनके आने के बाद क्या किस तरीके से दिया उन्होंने, पाकिस्तान जो जो बड़ा क्रेडिट लेता है मतलब इंडिया में कि बांग्लादेश अलग हुआ है, उसमें बड़ी भूमिका है इनकी, बड़ा आंदोलन किया था उन्होंने जो बांग्लादेश बना है उसमें, उसको उसको लेकर के। तो ये अलग अलग तरीके से कई पर्सपेक्टिव है। एक अगर मैं एक आपको सुनाऊं एक चीज, मतलब बड़ा मुझे पसंद आ रहा था कि सिंध में कहा जाता है, मतलब ये पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यूज करते हैं इस शब्द का, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि जिनी लाए मासी से कंडी नहीं तिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके लिए हम मर गए वो हमारे जनाजे पे भी आना पसंद नहीं किया,
तो ये एक पूरा अगर सारांश अगर आप देखेंगे तो जो जिस जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की, तो उन्होंने पाकिस्तान ने भी सम्मान नहीं किया उनको, और इंडिया ने भी उनको उस तरीके से, इंडिया के सम्मान मिलता भी है तो कुछ हित में, राजनीति के हित में सम्मान किया जाता है। उनकी राजनीति को एक बार फिर से इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि जो फादर ऑफ, और गुरु प्रकाश ने और कई लोगों ने इस चीज़ को जिक्र भी किया है, मतलब गुरु प्रकाश सर आप जानते होंगे, राम बरन एंड गुरु प्रकाश ने जिक्र किया है कि जो मेकर ऑफ मॉडर्न दलित है उसमें से एक जगन्नाथ मंडल है, और जो नाम सुधरा कम्युनिटी बंगाल में है, और बंगाल में जो सामाजिक न्याय की जो पूरी राजनीति कम हुई, और जो हालात है बंगाल का, उसके बाद से कोई बड़ा नेता नहीं उभरा बंगाल में। और एक किताब मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक किताब बहुत रिसेंट आई है द्वयपान सेन का, द डिक्लाइन ऑफ द कास्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंडल एंड द डिफीट ऑफ दलित पॉलिटिक्स इन बंगाल। इस किताब में उन्होंने जिक्र किया कि जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में डिफीट हुआ है जगन्नाथ मंडल का, इसका प्रभाव से अभी उभर नहीं पाया और बहुत खराब स्थिति है दोनों की, मुसलमानों की भी और बैकवर्ड कम्युनिटी की भी और दलित कम्युनिटी का भी पाकिस्तान में। उस पर बहुत आगे चर्चा किया जाएगा। इसका एक बड़ा प्रभाव यह है कि जगन्नाथ मंडल के पूरे पॉलिटिक्स को दरकिनार किस तरीके से दोनों तबके के लोग किए हैं, तो इस पर सोचने की जरूरत है। मेरे पास बहुत इसका क्लियर आंसर नहीं है कि किस दिशा में उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, लेकिन एक जिज्ञासा के तहत मैंने उनको पढ़ने समझने की कोशिश किया है। और ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं किसी को, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप पाकिस्तान में जाकर के लॉ मिनिस्ट्री ले लेना, फिर वहां से लौट भी जाना और सम्मान के लिए वहां पे भी लड़ना और यहां पे भी लड़ना। इसलिए उनको याद करना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि उनके ऊपर जो पाकिस्तान में जो उन्होंने काम किया है, खास करके जो लॉ मिनिस्ट्री और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उनका भाषण है, उसके ऊपर इंडिया में चर्चा होना चाहिए। अगर कोई सेक्युलर तबके की राजनीति अगर सही तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी कोरिलेट में जब उसको संबंध पाकिस्तान, डॉक्टर अंबेडकर जब आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जब पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान जब लिख रहे थे, उसमें भी बहुत सारी चीज जिक्र आता है। और कई बार मतलब उसका मुझे जिक्र ये नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिला, लेकिन गुरु प्रकाश ये आर्गू करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर लेटर लिखा करते थे कि इस जगह पे क्या हो सकता है, जब वो पाकिस्तान में चले भी गए तो उनका लेटर कई है, वो लेटर मेरे पास अभी नहीं आया है, हालांकि उन्होंने अपनी किताब में आर्गू किया है। तो ये सारे चीजें हैं, अभी भारत की राजनीति में जगन्नाथ मंडल बने रहेंगे, इसलिए बने रहेंगे क्योंकि CNRC से जोड़ करके उसको देखा गया है। हाँ, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि जाते जाते मैं ये बोल दूंगा कि पाकिस्तान को भी ये सोचने की जरूरत है और इंडिया को भी सोचने की ये जरूरत है कि दोनों जगह के माइनॉरिटी कम्युनिटी किस तरीके सुरक्षित रहे, कैसे आप वहाँ के जगन्नाथ मंडल को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे आप यहाँ के जो सेक्युलर क्रेडेंशियल के जो लोग हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, यही लड़ाई है। और उस बीच में जो जाति की जो लड़ाई है, जो दिख नहीं पाता है, वो लास्ट में अल्टीमेटली जगन्नाथ मंडल के रूप में उभर करके आता है, जो हश्र होता है उनका दोनों तरफ से, वही। भारत कब आए थे? भारत 1950 के अंतिम समय में, गुमनामी में यहाँ उनका देहांत हुआ। गुमनामी में देहांत हुआ, लेकिन वो उनका कुछ कुछ काम है बंगाल, बांग्लादेश को अलग लेकर के लिए, वो भी बहुत क्लियरिटी नहीं है उसमें कि कहाँ पे क्या काम किया, किस तरीके से काम किया है, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ काम किया है। तो गुमनामी में उनका जीवन गया है बिल्कुल, काम भी किए हैं, तो वो क्या काम किए हैं वो बाहर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और भारत सरकार को इस पे काम करना चाहिए। अगर भारत सरकार को बिल्कुल अगर ये कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में अपने माइनॉरिटीज कम्युनिटी की चिंता है और अफगानिस्तान में उनकी माइनॉरिटी कम्युनिटी की चिंता है, तो वो बताए ना कि भारत में आने के बाद उनकी क्या स्थिति हुई है। आप बुला तो लीजिए पाकिस्तान से इंडिया में सबको बुला लीजिए, लेकिन उनको सौ सम्मान जीवन किस तरीके से मिलेगा,
ये नहीं बताएंगे तो फिर आने का मतलब भी क्या हुआ? उनको रोजगार, उनका सम्मान, जाति के सवाल, धर्म का सवाल, ये सब बाहर क्लियरिटी होनी चाहिए, तब जाकर के आप किसी चीज को लेकर के सेव कर सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया राजा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके जो भाषण है उनको इकट्ठा कीजिए, इस पे आगे हम जरूर चर्चा करते रहेंगे। तो शुक्रिया, और ये थे राजा चौधरी, जोगिंद्रनाथ मंडल कोई पढ़ रहे हैं, लंदन में हैं, और जो सूचना मिल रही है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अंबेडकर नामा एक ऑथेंटिक चैनल है, ऑथेंटिक बात होती है, मन की बात नहीं, काम की बात। शुक्रिया, जय हिंद।